दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों ये जो कार है ये है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर है और इस कार में जो है इसके हीटर प्लग ख़राब हैं, तो इसके जो ग्लो प्लग जो कहलाते हैं हीटर प्लग वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसको सबसे पहले मैं आपको डायग्नोस करके दिखाऊँगा और डायग्नोस करने के बाद में आपको ये भी देसी तरीके से भी चेक करके दिखाऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके हीटर प्लग ख़राब हैं या सही हैं। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, लाइए दिखाइए यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले हम डायग्नोस करके दिखाएंगे। तो ये है एक्स टूल का PS70 Pro, जाएंगे डायग्नोस्टिक में, इंडिया, मारुति डायग्नोस्टिक ऑटोमेटिक डिटेक्शन, इंडिया, ये हमारी स्विफ्ट डिज़ायर है। ओके ओके, और जाएंगे दोस्तों सिस्टम सिलेक्शन में, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन पावर ट्रेन, जाएंगे रीड ट्रबल कोड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दो ट्रबल कोड आ गए, जिसमें सबसे ऊपर जो ट्रबल कोड जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो पहला वाला आ रहा है ये P0683, तो ये है ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल टू PCM कम्युनिकेशन सर्किट, और ये जो है करंट में है ये फॉल्ट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है करंट, तो ये करंट में है। और दूसरा ये जो फॉल्ट आ रहा है ये है P0480 फैन बन कंट्रोल सर्किट, तो ये हिस्ट्री में है दोस्तों। और इसमें जो मेन फॉल्ट जो है वो ग्लो प्लग का है जो करंट में यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। तो अभी हम इसको क्लियर करके भी आपको दिखाते हैं, पर ये क्लियर होगा नहीं क्योंकि इसके हीटर प्लग जो हैं वो ख़राब हैं। तो हम वापस जाएंगे बैक और क्लियर ट्रबल कोड, ओके ओके, और इसके बाद अभी हम इसको एक बार री ट्रबल कोड में जाएंगे, तो ये वापस आ गया यहाँ पर। तो ये ट्रबल कोड जो है दोस्तों दोबारा से वापस से आ गया, और इसको मैं एक बार आपको फिर से क्लियर करके दिखाता हूँ। जाएंगे बैक, क्लियर ट्रबल कोड, ओके, क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली, ओके, जाएंगे री ट्रबल कोड, तो वापस से आ गया। तो दोस्तों ये ट्रबल कोड बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो इसके जो हीटर प्लग हैं वो ख़राब हैं। और ये हीटर प्लग हमें कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि स्कैनर से तो दिखा रहा है यहाँ पर, और ये करंट DTC है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट लिखा हुआ है। तो ये ग्लो प्लग का जो ट्रबल कोड है ये करंट में है, तो मैं आपको चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेक करना है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों ग्लो प्लग जो हैं वो सिलेंडर हेड में लगे होते हैं, और ये चार सिलेंडर कार है तो इसमें चार ग्लो प्लग होते हैं। तो ये उसके जो चारों अलग अलग वायर लगी होती हैं, हर एक हीटर पर हर एक वायर लगी होती है, तो एक एक करके हम सबके वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो ये हमने मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लिया है, और 20 पे सेट करने के बाद में इसमें जो है वायर में जो है 12 वोल्ट आना चाहिए, तो वायर में हम लगवाएंगे पॉजिटिव वाला यानी रेड वाला। तो ये हमने पॉजिटिव वाला लगवा दिया है इसकी वायर में, और दूसरा लगवा देंगे कहीं भी अर्थ में, तो हमने इसके इंजन से ही इसका अर्थ ले रहे हैं। तो इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए इग्निशन ऑन करने पर। तो अभी हमने रेड वाला लगा दिया वायर में, और अर्थ वाला जो यहाँ पर साइड में लगा दिया है इंजन की पत्ती पर, और अभी इग्निशन ऑन किया तो 12 वोल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में, 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज इसके जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसी हिसाब से बाकी के भी चेक करेंगे। तो ये 3 नंबर वाले का भी हम इसका भी वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें रेड वाला हमने लगा दिया है और अर्थ हमने इंजन से ही ले लिया है, और अभी इग्निशन ऑन करेंगे तो इसमें भी 12 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, और अभी बाकी के दो और भी चेक करेंगे। ये 2 नंबर का है, इसमें रेड वाला हमने लगा दिया गर्म वाला, और अर्थ वाला जो है इंजन के पास से जो पत्ती है उस पर हमने अर्थ ले लिया। इग्निशन ऑन करेंगे इसमें भी 12 वोल्ट आना चाहिए, तो ये 12 वोल्ट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे मल्टीमीटर में। और अभी एक नंबर वाला सबसे आगे वाला, इसको भी इसी हिसाब से चेक करना है। तो
तो यहाँ पर 12 बोल्ट जो है चारों में बराबर आ रहे हैं, यानी वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। इसकी जो रिले है वो भी ठीक है और इसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ग्लो प्लग जो हैं, हीटर प्लग, वो ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके चारों हीटर प्लग जो हैं, ग्लो प्लग जो हैं, हमने कार में से खोल कर बाहर निकाल लिए हैं और इनको हम चारों को अभी मैन्युअली चेक करके दिखाएंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे पता लगेगा कि कौन सा हीटर ख़राब है या कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाएंगे। तो मल्टीमीटर जो है हमें कंटिन्यूटी पे सेट करना होता है। ये कंटिन्यूटी का जो निशान है, यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है कंटिन्यूटी पे। और इसको इस पर सेट करने के बाद में ये वाली दोनों पिनें जब आपस में टच करेंगे तो एक बीप की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पॉजिटिव वाला जो है इसको ऊपर की साइड में यहाँ पर लगाना है और दूसरा यहाँ पर चूड़ी पर या नीचे की तरफ भी साइड में लगा लेंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद में अगर बीप की साउंड नहीं बोल रही है तो यानी कि ये हीटर हमारा जो है ये ख़राब है। और अभी हम सही वाला दिखाते हैं। तो अभी ये वाला हीटर जो है दोस्तों, इस पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाला हमने ऊपर की साइड में लगाया और नेगेटिव वाला नीचे की साइड में, तो बीप की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों, ये वाला जो हीटर प्लग है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टच करने पर इसमें बीप की साउंड आ रही है। तो पॉजिटिव वाला हमने ऊपर के ऊपर साइड में टच किया है और नेगेटिव वाला नीचे की साइड में। तो इस तरह से आप इसका हीटर प्लग चेक कर सकते हैं। ये दोनों पिन इस तरह से टच करने पर इसमें बीप की साउंड आ रही है। और अभी दूसरा भी ख़राब वाला दिखाते हैं, ये वाला चेक कराओ। तो दोस्तों, इसमें ये पॉजिटिव वाला ऊपर हमने टच किया और नेगेटिव वाला नीचे टच किया है, लेकिन इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि ये भी हीटर जो है ख़राब है। एक और दिखाओ। और इसी हिसाब से ये चौथा नंबर का भी। तो इसमें तीन हीटर जो दोस्तों, तीन हीटर ख़राब हैं और बाकी जो एक हीटर जो है जिसमें बीप की साउंड आ रही है, तो वो वाला हीटर जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको बिल्कुल देसी तरीके से भी चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों, एक वायर का टुकड़ा हमने ले लिया है और इसको जो है हमें प्लस वाले पॉइंट पर इस पर टच करना है। इस पर हमने प्लस वाले पर टच कर लिया और दूसरा इसका जो वायर का जो दूसरा सिरा है ये वाला, तो हीटर के दूसरे ऊपर वाले सिरे पे इस पर टच करेंगे हम। तो इस पर टच करने पर दोस्तों, जो हीटर जो है सही है अगर, तो वो लाल पड़ने लगेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये बिल्कुल सुरख हो गया है, अंगार बन गया है बिल्कुल। तो ये हीटर जो है ये वाला बिल्कुल सही है। ये मैंने ऊपर की साइड में टच कर दिया है और इसका एक सिरा जो है पॉजिटिव वाले पर है, प्लस वाले निशान पर हमने टच कर लिया है और हीटर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाल हो गया है, हीट हो गया ये। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अभी दूसरा वाला हीटर जो है वो हमें चेक करना है। तो दूसरा हीटर चेक करने के लिए ये प्लस वाला जो निशान है, यानी गर्म वाला जो साइड है, तो पॉजिटिव वाले पर एक सिरा हमने वायर का लगा दिया है और वायर का दूसरा सिरा जो है हमने हीटर प्लग के सबसे ऊपर साइड में यानी यहाँ पर लगा दिया है। और इसको चेक करने के लिए अभी माइनस वाला, एक मिनट, माइनस वाला ये जो पॉइंट है तो इस पर ये अगला हिस्सा, हीटर का अगला हिस्सा टच करना है, ना कि पिछला हिस्सा। तो आगे वाला हिस्सा यानी इस पर जब टच कर देंगे तो ये काम करने लगेगा अगर सही है तो, और नहीं, अगर ये सही नहीं है, ख़राब है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी रेड नहीं पड़ेगा, लाल नहीं पड़ेगा। टच करो इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में हमने पॉजिटिव लगा दिया है, हीटर प्लग के ऊपर साइड में लगा दिया है, लेकिन इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि ये हीटर प्लग जो है ख़राब है। और अभी हमने आपको सही वाला दिखाया था तो वो सही वाला बिल्कुल रेड सुरख हो गया था, बिल्कुल लाल पड़ गया था, यानी वो बिल्कुल सही था। तो बाकी एक सही वाला दिखाओ दोबारा से, ये वाला। तो अब हम सही वाला जो है दोबारा से आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आपको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप वायर का एक सिरा सबसे ऊपरी हिस्से पर इस पर लगा लें हीटर प्लग पर, और उसके बाद में उसका वायर का दूसरा सिरा प्लस वाले पॉइंट पर इस पर टच कर लें, और हीटर प्लग का ये जो आगे वाली साइड है, ये वाली साइड यानी चूड़ी से आगे वाली साइड, इसे आप पे माइनस वाले पॉइंट पे टच करना है। करो।
तो इस तरह से जब आप करेंगे तो अगर आपका हीटर प्लग जो है अगर सही है तो ये बिल्कुल रेड पड़ने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी ये बिल्कुल लाल अंगार जैसा हो गया। तो ये हीटर प्लग जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसका चेक करने का देसी तरीका यही है और मल्टीमीटर से भी मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो ये तरीका मैंने जो समझाया है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये काम वाली जानकारी आगे भी और भी लोगों तक पहुंच सके और किसी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।